नौकरी। ये दुनिया बस एक ही रजा देगी, ये घड़ी आप घंटा बजा देंगी। आप सोच रहे होंगे क्या घड़ी घंटा घंटाल की बात चल रही है। दरअसल मामला तो सामने आप देख ही रहे होंगे किस तरह का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जन सैलाब को देखने के बाद लग रहा होगा सामने ट्राली में संजीवनी है या कानपुर वाले पीयूष जैन का 180 करोड़ रुपया। आप तब चौंक जाएंगे जब आपको पता लगेगा इस ट्राली में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे फिर कौन सा अजूबा इस ट्राली में है। दरअसल मैं बताता हूँ, ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के बीसलपुर का है, जहाँ भाजपा विधायक ने नारीपुरम कार्यक्रम का आयोजन किया। नारी के सम्मान में ये कार्यक्रम किया गया जिसमें लंच और घड़ी वितरण का आयोजन होना था, लेकिन जिस घड़ी में इस घड़ी वितरण का आयोजन किया गया उसी घड़ी विधायक जी की घड़ी में राहु केत बैठ गए होंगे, क्योंकि ये सम्मान नारियों के लिए किया गया था। लेकिन यहाँ नारियाँ ज़्यादा थी सम्मान लेने के लिए और विधायक जी के पास सम्मान देने के लिए घड़ियाँ काफ़ी कम थी। जैसे ही पता लगा कि घड़ियाँ कम हैं उसके बाद तो मानो साहब भगदड़ मच गई, नज़ारा अलग था। आप देख ही रहे हैं कोई महिला सड़क पर खड़ी है तो कोई नाले में पड़ी है। ये महिलाएं एक दूसरे से गजब धुरंधर लड़ी हैं। मामला पूरा अस्त व्यस्त है, इस मामले को संभालने में लगा पुलिस बल समस्त है, लेकिन इन महिलाओं के घड़ी पाने के जोश और उत्साह को देखने के बाद सबके होश उड़ गए होंगे। फिलहाल इन महिलाओं से जब पूछा गया कि घड़ी मिली तो साफ साफ नकार दिया, कहा हमको कुछ नहीं मिला, न घड़ी न घंटाल। इस आयोजन को देखने के बाद एक कहावत याद आ गई कि आ बैल मुझे मार। इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कि आ बैल मेरा टिकट काट दे। कसम भगवान, इस तरह के आयोजन करवाने के बाद विधायक जी ने तो लग रहा है खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली हो। इस तरह के आयोजन विधायक जी के लिए भारी न पड़ जाएं। अपनी जिंदगी के पूरे अनुभव की सौगंध खा कर बोल रहा हूँ, अगर किसी निर्दलीय प्रत्याशी को घड़ी चुनाव चिन्ह मिल गया तो इन महिलाओं को ये घड़ी वाला मंजर याद आ जाएगा और भारी मतों से हार जाएगा, क्योंकि लगभग हजारों महिलाओं के भावनाओं से घड़ी जुड़ चुकी है। और ईवीएम के सामने जब महिलाएं घड़ी का निशान देखेंगी उसके बाद उनके दिमाग का घंटा बज जाएगा। भाई साहब कसम भगवान, मामला खत्म हो जाएगा। प्रत्याशी से अनुरोध करूंगा कि चुनाव आयोग से कह दें घड़ी का चुनाव चिन्ह न दें, वरना हो सकता है जमानत भी जब्त कर ली जाए। हालांकि नारी के सम्मान के चक्कर में नेताओं ने अपनी जमकर फजीहत करवाई, नारी के सम्मान के चक्कर में नेताओं ने अपना सम्मान खतरे में डाल दिया, क्योंकि जिन महिलाओं को घड़ी देने के लिए बुलाया गया था वो इधर उधर घड़ी पाने के लिए भटकती नजर आ रही थी। अगर ये वीडियो शीर्ष नेतृत्व ने देख लिया तो कसम भगवान इन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाएगा। और कहीं अगर ये वीडियो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली प्रियंका चाची ने देख लिया तो आवाज़ बुलंद कर देंगी महिलाओं को लेकर, और इस आवाज़ बुलंद के बाद भाजपा को नुकसान हो ना हो लेकिन इन नेताओं का नुकसान होना तो पक्का है साहब। फिलहाल आप नज़ारा तो इस वीडियो में देख ही रहे होंगे कितना भयावह है और डरावना है। हालांकि लगातार कोरोना गाइडलाइन की पालन करने की बात भी शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा है, वो बात अलग है कि घड़ी जब मिले तब घंटा बजा दिया जाता है, फिर वो कोरोना हो या नियम। फिलहाल आप देख रहे हैं यूपी अपडेट, खबरों में रहना है नंबर वन तो देखते रहिए यूपी अपडेट 24x7। घड़ी मिली, घड़ी क्या बताया था आपसे, कहा क्या था, घड़ी मिली जो कागज उठाना दे रही है। नाम है आपका, क्या नाम है, कहाँ से आई आप, महुआ, क्या हो गया यहाँ पर, तो क्या हो गया, आधार कार्ड है श्रमिक कार्ड, तो आप बैंक आधार कार्ड श्रमिक कार्ड बैंक पासबुक सब लेके आई थी, और बैंक पासबुक क्यों ले आई, अरे कहीं जी जी, तो क्या बैंक पैसे आ रहे थे बैंक पासबुक,
चलिए आधार अपना आधार बैंक पासबुक भी लाई कुछ नहीं अच्छा अच्छा चलो ठीक।